अगर आप लोग घर बैठे ड्राइंग, पेंटिंग, हैंड राइटिंग, एसे राइटिंग, पोस्टर मेकिंग और योगा कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आज की वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाले हैं, क्योंकि महाराष्ट्र के पुणे में द नेशनल सेंटर फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट बोलकर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने इंटरनेशनल योगा डे को सेलिब्रेट करने के लिए हेल्दी इंडिया आर्ट कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज किया है, जहाँ पर सारे स्टेट के चिल्ड्रंस, यंगस्टर्स और उसके साथ पेरेंट्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय गीता एकेडमी चैनल। तो इसी के साथ आज की इस इंफॉर्मेटिव वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस कॉम्पिटिशन्स के एज कैटेगरी के बारे में जान लेते हैं। कैटेगरी वन में 2+ ईयर्स से लेकर 6 ईयर्स तक, कैटेगरी बी में 6 ईयर्स से लेके 10 ईयर्स तक, कैटेगरी सी में 10 ईयर्स से लेके 13 ईयर्स तक, कैटेगरी डी में 13 ईयर्स से लेकर 17 ईयर्स तक, कैटेगरी ई में 17 ईयर्स से लेके 60 ईयर्स तक के सारे चिल्ड्रंस यंगस्टर्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और कैटेगरी एफ में सारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज या कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस के टीचर्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कैटेगरी जी में सारे रजिस्टर्ड स्कूल के प्रिंसिपल्स और कैटेगरी एच में पेरेंट्स लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आइए देख लेते हैं इस कॉम्पिटिशन के रिजल्ट क्राइटेरिया के बारे में। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर 5 तरीके का कॉम्पिटिशन है, ड्राइंग, पेंटिंग, हैंड राइटिंग, एसे राइटिंग, पोस्टर मेकिंग और योगा। ये सारे एक एक कॉम्पिटिशन के रिजल्ट अलग से डिक्लेयर किया जाएगा और हर एक कॉम्पिटिशन के लिए अलग से प्रिंटेड सर्टिफिकेट्स भी मिलेंगे। एवरी पार्टिसिपेंट्स विल गेट ए एप्रिसिएशन ट्रॉफी अवार्ड इन केस ऑफ नॉट विनर इन द रिस्पेक्टिव कॉम्पिटिशन। रिजल्ट्स विल बी डिक्लेयर्ड एज पर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट्स अकॉर्डिंग टू देयर एज। वी हैव क्लासिफाइड जजेस फॉर ईच सेपरेट कॉम्पिटिशन। हर एक परफॉर्मेंस के लिए सारे कैंडिडेट्स को ग्रेड्स दिया जाएगा, जैसे कि A+, A, B, C, D एक्सेट्रा। इस तरीके से कोई भी एक कंपटीशन से कोई भी एक कैंडिडेट को अगर A+ ग्रेड मिलते हैं तो उनको हेल्दी इंडिया आर्ट की तरफ से एक्सीलेंस अवार्ड मिलेंगे या ट्रॉफी भी मिल सकता है, जैसे आप लोग इस इमेज में देख रहे हैं। अगर ट्रॉफी और अवार्ड नहीं मिलते हैं तो कैंडिडेट्स विल बी ऑल्सो गेटिंग एप्रिसिएशन अवार्ड। और अगर मिनिमम 3 कॉम्पिटिशन से कोई भी एक कैंडिडेट को A+ ग्रेड मिलते हैं तो उनको हेल्दी इंडिया आर्ट की तरफ से आउटस्टैंडिंग अवार्ड या ट्रॉफी अवार्ड मिल सकता है, जो आप अभी इमेज में देख रहे हैं। अब बात करते हैं 8 कॉम्पिटिशन्स के डेट शेड्यूल्स के बारे में। ये कॉम्पिटिशन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है 21 जून 2023 से। मैं आप लोगों के पास समा चाहती हूँ कि मुझे ही बहुत देर से इस कॉम्पिटिशन्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिला है, आज ही मिला है। तो आज ही मैं आप लोगों के साथ वीडियो के द्वारा इस कॉम्पिटिशन्स के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर कर देती हूँ। कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करने के लिए लास्ट डेट है 9 जुलाई रात के 12 बजने से पहले। इसका मतलब आपके पास 4 दिन है, क्योंकि आज 5 जुलाई है और 9 जुलाई रात के 12 बजने से पहले सबमिट करने के लिए लास्ट डेट है। 10 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक जो भी जजेस रहेंगे हर एक परफॉर्मेंस या कॉम्पिटिशन्स के लिए, वो रिजल्ट प्रिपेयर करेंगे, प्रोसेसिंग में रहेंगे। 16 जुलाई से लेकर 18 जुलाई तक सारे कैंडिडेट्स के होम एड्रेस में रिजल्ट पैकेजिंग करने के लिए रेडी किया जाएगा, और 18 जुलाई में वो सारे पैकेजिंग रिजल्ट्स डिस्पैच होंगे। और 20 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक एवरीवन विल गेट रिजल्ट्स एट होम एड्रेस। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि अभी मॉनसून सीजन चल रहा है, तो उसकी वजह से हर एक स्टेट की ड्यूरेशंस और मोस्ट सीजन की वाइज ये डेट थोड़ा बहुत ऊपर नीच हो सकता है। अब बात करते हैं जो भी पार्टिसिपेंट्स इस कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मैंने एक लिंक शेयर किया है। लिंक को ओपन करने के बाद देखिएगा इस तरीके का एक गूगल फॉर्म ओपन हो जाएंगे, जहाँ पर नीचे स्क्रॉल करने से आपको सारे डिटेल्स इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे। चाहे तो आप एक बार
फिर से पढ़ सकते हैं, मैंने बोल दिया है, पर आप लोग तसल्ली की वजह से एक बार खुद से पढ़ सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है, अगर आप लोग या कोई भी कैंडिडेट्स एक कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उनको 310 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। और अगर आप लोग एक से भी ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करते हैं, मान लीजिए आप लोग 2 कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से 310 + 310 620 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। और वो आप लोग गूगल पे या अकाउंट या क्यूआर कोड की वजह से सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप लोगों को एक व्हाट्सएप नंबर शेयर करना होगा, जो ऑर्गेनाइजेशंस उस नंबर की द्वारा सारे अपडेट कॉम्पिटिशन से रिलेटेड आपको दे सके टाइम टू टाइम। उसके बाद एक फ़ोन नंबर भी मेंशन करना होगा जो रिजल्ट पैकेजिंग आएंगे जो डिलीवरी बॉय ताकि आपके साथ कांटेक्ट कर सके। यहाँ पर कैंडिडेट्स का फुल नेम कैपिटल लेटर्स में एंटर कीजिए, कैंडिडेट का एज, कैंडिडेट्स कौन सी कैटेगरी में पढ़ते हैं, कैंडिडेट्स का जो प्रोफेशंस है वो भी कैपिटल लेटर्स में यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। जो भी होम एड्रेस में आपका रिजल्ट पैकेजिंग जाएंगे वो सारे डिटेल्स इंफॉर्मेशंस विद फोन नंबर यहाँ पर एंटर कीजिए, जैसे कि एरिया, लैंडमार्क, सिटी नेम, बिल्डिंग नेम, ब्लॉक और फ्लैट नंबर, फ्लोर नंबर, कुछ सब कुछ आप लोग डिटेल से यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, कैंडिडेट का स्टेट, पिन कोड यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कॉम्पिटिशन्स के और भी कुछ इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस के बारे में, जैसे कि हर एक कॉम्पिटिशन्स का थीम क्या है, क्राइटेरिया क्या है, ये तो आप लोगों के मन में आएंगे, तो चलिए डिटेल्स में शेयर कर लेते हैं। ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स के लिए 2 थीम हैं, जैसे कि हेल्थ इज वेल्थ और योगा इज की टू फ्लेक्सिबिलिटी। और पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स के लिए सिर्फ और सिर्फ फोटो अलाउड है, जहाँ पर मैक्सिमम साइज 5 MB होंगे और वो भी JPG फाइल में आप लोगों को रेडी करना पड़ेगा। और जो भी ड्राइंग या पेंटिंग आप लोग रेडी कर रहे हैं पेज में, उनके कोई भी एक कॉर्नर में आप लोगों को कैंडिडेट्स का नाम, व्हाट्सएप नंबर, डेट ऑफ द आर्ट वर्क, ये सारे सब कुछ आपको डिटेल्स मेंशन करना होगा। कॉम्पिटिशन्स के लिए कुछ भी रेस्ट्रिक्टेड कलर या पेपर नहीं है, आप अपने मन से चूज कर सकते हैं। हैंड राइटिंग कॉम्पिटिशन्स के लिए थीम है हेल्दी इंडिया, इसका मतलब इस टॉपिक के ऊपर कोई भी आप लोग राइटिंग लिख सकते हैं, मगर ध्यान रखें जो भी आप लोग रेडी करेंगे वो सिंगल फोटो, उनका साइज 5 MB और वो भी JPG होना चाहिए। कोई भी रेस्ट्रिक्टेड पेपर, पेन या पेपर साइज नहीं है। और जैसे कि ड्राइंग में भी बताया, सारे डिटेल्स आपको कोई भी एक कॉर्नर में मेंशन करना होगा। ऐसे राइटिंग के लिए आप लोगों को फिर से वही थीम मिल रहा है, हेल्थ इज वेल्थ और योगा इज की टू फ्लेक्सिबिलिटी। इनमें से कोई भी एक थीम को चूज करके आप लोग ऐसे कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और सारे गाइडलाइंस जैसे कि मैंने ड्राइंग और पेंटिंग कॉम्पिटिशन में बताया बिल्कुल सेम है, फिर भी आप लोग एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद ऐसे कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट कीजिए। पोस्टर मेकिंग कॉम्पिटिशन्स में 3 थीम है, जैसे कि अवेयरनेस ऑफ फिटनेस, अवेयरनेस ऑफ मास्क नाउ डेज, अवेयरनेस ऑफ COVID-19 वैक्सीन्स नाउ डेज। इनमें से कोई भी एक थीम चूज करके पोस्टर मेकिंग कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट कीजिए। और क्राइटेरिया बिल्कुल सेम एज ड्रॉइंग और पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स। योगा कॉम्पिटिशन्स में आप लोगों को क्या करना होगा, कोई भी एक आसन्स आप लोग चूज कीजिए और वो आप कर रहे हैं, दिखा रहे हैं विद कैंडिडेट्स फेस, इसके ऊपर 5 मिनट्स का एक वीडियो आपको रेडी करना होगा। और आपके पास जो यूट्यूब है या कोई भी गूगल ड्राइव है, वहां पर आप लोगों को उसको अपलोड करना होगा उस वीडियो को। और वो जो लिंक आप लोगों को मिल जाएंगे, उस लिंक को आप जब भी योगा कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस लिंक को आप लोग पेस्ट कर सकते हैं, या गूगल ड्राइव का लिंक भी आप लोग शेयर कर सकते हैं। अगर आप लोग ड्राइंग और पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो येस और नो ऑप्शंस में जाइए, देन उसका फाइल अपलोड कीजिए। अगर आप लोग हैंड राइटिंग कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, येस और नो ऑप्शंस को सिलेक्ट करके उसका फाइल सिलेक्ट कीजिए। इसी तरीके से ऐसे राइटिंग, पोस्टर मेकिंग और उसके साथ योगा कॉम्पिटिशन्स में भी आप लोग सेम तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अच्छा, एक बात आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, जब भी आप लोग पेमेंट करेंगे, पेमेंट करने के बाद गूगल पे, अकाउंट नंबर, जिस तरीके भी आप लोग पेमेंट करना चाहते हैं कर सकते हैं, मगर पेमेंट करने के बाद उसका एक स्क्रीनशॉट रख लीजिए और जो ट्रांजेक्शन्स नंबर वो भी नोट करके रख लीजिए। और यहाँ पर देखिए गूगल पे नंबर, UPI ID सब कुछ मेंशन किया गया है,
यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शंस मिल रहा है कि कितने कॉम्पिटिशन्स में आप लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 मैक्सिमम आप लोग 5 कॉम्पिटिशन्स में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सारे टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ने के बाद आई एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशंस इस ऑप्शंस पर जाकर आप लोग क्लिक कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आप लोगों ने जो स्क्रीनशॉट लिया है उसको यहाँ पर ऐड फाइल ऑप्शंस पर जाकर अपलोड कर दीजिए। ट्रांजैक्शंस नंबर यहाँ पर मेंशन कीजिए और फाइनली सबमिट बटन पर जाकर आप सक्सेसफुली इस कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक बात आप लोगों को फिर से बता देना चाहती हूँ, मान लीजिए कि एक फैमिली से 2-3 मेंबर्स, चाहे वो पेरेंट्स हो, टीचर्स हो, प्रिंसिपल्स हो, कोई भी हो, स्टूडेंट्स हो, चिल्ड्रंस हो, एक से भी ज्यादा अगर कैंडिडेट्स एक फैमिली से पार्टिसिपेट कर सकते हैं तो वो सारे पार्टिसिपेंट्स के लिए अलग अलग जीमेल आईडी रजिस्ट्रेशन के लिए आप लोगों को यूज करना पड़ेगा। डिटेल्स में और एक बार बता देना चाहती हूँ, मान लीजिए कोई भी चिल्ड्रंस पर्टिकुलर एक जीमेल आईडी से आपका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो वो सेम जीमेल आईडी उस फैमिली मेंबर के कोई भी और यूज नहीं कर सकते हैं। पर कैंडिडेट के लिए एक ही सिंगल जीमेल आईडी आप लोग यूज कर सकते हैं। हर एक कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग जीमेल आईडी आप लोगों को यूज करना होगा। आई होप आज की इस वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगी हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इसी तरीके का और एक इंफॉर्मेटिव वीडियो को लेके। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।